इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी, या फिर कह सकते हैं SHM के लिए पोटेंशियल एनर्जी, एंड साथ साथ में डिस्कस करेंगे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। कंसिडर कर लेते हैं, यह कोई पैराबोलिक पोटेंशियल वेल है और यह है पॉइंट पी। यहाँ पर ये एक बॉल रखी हुई है जिसका मास एम है। पॉइंट पी पर होती है इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कंसिडर करते हैं या फिर ज़ीरो। अब मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ और पॉइंट ए तक फोर्स लगाता हूँ और इसको यहाँ पर लाता हूँ इस पॉइंट पर। जब मैं इस बॉडी को यहाँ से यहाँ तक लाता हूँ तो मैं इसमें वर्क करता हूँ और यही वर्क इस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाती है। पोजिशन के चेंज होने पर क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज। तो मैंने जो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किया है वही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर हमको वर्क कैलकुलेट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं dW चेंज इन वर्क F इंटू dx। ये dx क्या है, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक ला जो डिस्प्लेसमेंट किया है ये उसका स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट है। और यहाँ पर क्या है, फोर्स। इसको कंसिडर कर सकते हैं इक्वेशन वन। यही जो मैं वर्क करूँगा यहाँ से यहाँ तक लाने में, यही वर्क इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फोर्स होता है ये होता है F = -kx। एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है पॉइंट पी से ए तक लाने में जो डिस्प्लेसमेंट है। ये फोर्स माइनस क्यों है, तो दोस्तों मैंने जो ये फोर्स लगाया था उसकी डायरेक्शन ये थी इस डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो ये वापस आएगा। वापस क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, उसी के वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में आता है। तो जब तक ये पॉइंट ए पर रहेगा तो मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, ये था अप्लाइड फोर्स। अब जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो यहाँ पर होगा ये एफ रीस्टोरिंग फोर्स। जब तक मैं इसको यहाँ पर पकड़े रहूँगा तो रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स दोनों इक्वल रहेंगे। उसी सिचुएशन में ये क्या है, एफ आर है, और ये इक्वल होता है अप्लाइड फोर्स के। जितना फोर्स मैं इसको पकड़े हुए हूँ उतना ही यहाँ पर है। जब दोनों इक्वल होते हैं तभी बॉडी यहाँ पर रुकी रहती है। अब जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये रीस्टोरिंग फोर्स इसको वापस लाता है। तो यहाँ पर जो ये वर्क है ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये dW = -kx dx। अब कंप्लीट वर्क यहाँ से यहाँ तक लाने में तो देखेंगे मिनिमम वैल्यू कितनी है, ज़ीरो, और मैक्सिमम कितनी है? तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम मैक्सिमम एक्स मानते हैं। तो मिनिमम कितनी है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पर के होता है कॉन्स्टेंट, एक्स की वैल्यू ज़ीरो से एक्स तक, और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वर्क भी क्या होगा, ज़ीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा तो वर्क हो जाएगा W। कर देंगे इंटीग्रेट तो यह जाएगा dW का W = अब आप यहाँ पर देखेंगे -k एज इट इज, एक्स का हो जाएगा ये x² / 2, लिमिट है 0 से x, तो वैसे ही आ जाएगा ये W = -1/2 kx². इतना वर्क किया। अब हम जानते हैं जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये होता है U = -kW। ऐसा यहाँ पर माइनस क्यों आया है, तो देखेंगे जब मैं इसको यहाँ पर लगे जाता हूँ तो मेरी डायरेक्शन ये थी, लेकिन जब छोड़ता हूँ तो ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आता है, यानी कि वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की डायरेक्शन क्या होती है, ऑलवेज अपोजिट होती है। एक बार देख सकते हैं, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ तो वर्क की डायरेक्शन ये ऊपर की ओर है, और जब मैं छोड़ता हूँ तो ये हमेशा नीचे की ओर जाता है। मतलब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, इसलिए यहाँ पर क्या आता है, नेगेटिव। अब W की वैल्यू हमारे पास में ये रही तो यहाँ पर आ जाएगा ये U = 1/2 kx². यही होती है पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पर के की वैल्यू जानते हैं, के की वैल्यू होती है m ω². इसको हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं जब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ड्राइव की थी। तो यहाँ पर आ जाएगा ये U = 1/2 k, के की वैल्यू हो जाएगी m ω² x². वैसे अगर बात करते हैं x क्या है, यहाँ पर x होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है x = a sin ωt + φ। तो ये पुट कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा
u is equals to 1 by 2 m omega square a square sin square omega t plus phi. ये होती है पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, ये होती है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन. इसको हम लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो देख सकते हैं. अब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, तो जब ये वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी तो लिखेंगे व्हेन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल्स टू पाई बाई टू होगा. उस सिचुएशन में साइन की वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम होती है. जब ये वैल्यू 90 हो जाएगी तो साइन क्या होता है, मैक्सिमम. और उस सिचुएशन में यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है. तो कितनी आ जाएगी ये, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर पाई बाई टू इज इक्वल्स टू वन, और यहाँ पर ये आ जाएगा यू इज इक्वल्स टू यू मैक्सिमम. कितनी आ जाएगी, यू मैक्सिमम इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू वन, और ये आ जाएगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. यानी कि जब एंगल कितना होता है पाई बाई टू, उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती. वैसे अगर बात करते हैं ये हो जाए ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो, उस सिचुएशन में साइन ज़ीरो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ज़ीरो. और पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यू मिनिमम. यानी कि जब ये ज़ीरो होगा, ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम. और कितनी आ जाएगी ये, तो ये आ जाएगी U मिनिमम इज इक्वल्स टू ज़ीरो. जब साइन ज़ीरो होगा एनर्जी मिनिमम होगी, और जब साइन मैक्सिमम होगा एनर्जी मैक्सिमम होगी. बिकॉज यहाँ पर m होता है कॉन्स्टेंट मास ऑफ द ऑसिलेटर, a होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड. तो इसका मतलब इस पर डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पीरियडिक फंक्शन होता है. अब आप यहाँ पर देखेंगे, अब बात करते हैं एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. तो इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कहती है मैक्सिमम और ये कहती है मिनिमम, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. तो ये हो जाएगी यू एवरेज. इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यू डी टी ओवर डी टी, लिमिट हो जाएगी ज़ीरो से टी, लिमिट हो जाएगी ज़ीरो से टी. देखेंगे यहाँ पर क्या है यू, ये पोटेंशियल एनर्जी है. कितने के लिए, कंप्लीट एक ओसिलेशन के लिए. लिमिट क्या है, जीरो से टी तक. तो यहाँ पर डी टी क्या है, टाइम है, और यू क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब ये हो गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया टोटल टाइम. अगर पोटेंशियल एनर्जी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओसिलेशन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में ये कोई ग्राफ है, और ये कितना टाइम है, डी टी. अब हमको पता है एक स्लोप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू है, और स्लोप कितने हैं ये. तो एक स्लोप की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यू, और स्लोप कितने हैं तो इनफाइनाइट है. तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू डी टी. टोटल टाइम कितना है, डी टी. तो यहाँ पर यही कर रहे हैं, ये हो गई टोटल पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया टोटल टाइम. अब देखेंगे हमारे पास में यू, अगर बात करते हैं डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वन ओवर टी. अब यू की वैल्यू हमारे पास में ये रही, इस वाली वैल्यू को वहाँ पर पुट कर देंगे और इस फॉर्म में पुट करेंगे के एक्स स्क्वायर. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पुट करने पर यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये तो हमारे पास में रहा ये यू इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ज़ीरो से टी, ये आ जाएगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ, और यहाँ पर आ जाएगा ये डी टी. तो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं इफ़ फाइ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि फेस क्या है, ज़ीरो है. ये फेस ज़ीरो हमने क्यों लिया है, इसको मैं अभी से एक्सप्लेन कर दूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो हमारे पास में ये आ जाएगा, देखेंगे ये कॉन्स्टेंट है, ये आ जाएगा वन बाई टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सब कॉन्स्टेंट है. यहाँ पर आ जाएगा ये ओवर टी ये वाला, और यहाँ पर आ जाएगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, लिमिट ज़ीरो से टी. अब यहाँ पर ये साइन स्क्वायर है, हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू वन माइनस, ये आ जाएगा कोस टू ओमेगा टी ओवर टू. ये होता है फॉर्मूला.
बिकॉज साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टी, और यहाँ पर आ जाएगा ये 0 से टी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी ओवर 2, ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 इंटू डी टी। अब देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, ये एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर टी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 कितना है, डी टी, डी टी का हो जाएगा ये टी, ये 1 का डी टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोस का कितना हो जाएगा, ये तो कोस का हो जाएगा ये साइन 2 ओमेगा टी ओवर 2 ओमेगा, लिमिट कितनी है 0 से टी, अप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओवर टी। अब आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, लोअर लिमिट तो 0 है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल टी माइनस, यहाँ पर आ जाएगा ये साइन 2 इंटू ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई ओवर टी, ये ओमेगा की वैल्यू होती है, ओमेगा इज इक्वल्स 2 होता है 2 पाई ओवर टी, तो यहाँ पर हमने ओमेगा की वैल्यू पुट की है इंटू लिमिट कितनी है ये कैपिटल टी माइनस, देखेंगे लोअर लिमिट कितनी है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये साइन 0 पूरे के अपॉन में 2 ओमेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा ये साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई होता है 0 0, तो ये वाली टर्म भी 0 है और ये वाली टर्म भी 0, 0 माइनस 0 मतलब 0, मतलब ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, यहाँ पर ओनली ये टी बच गया। अब आप यहाँ पर देखेंगे इस टी से ये टी कैंसिल आउट, बिकॉज ये तो पूरी की पूरी टर्म 0 हो गई, 0 अपॉन 2 ओमेगा मतलब 0, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो जाएगी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, कितनी आती है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यहाँ पर ए क्या होता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एम होता है मास ऑफ द ओसिलेटर। तो दोस्तों ये होती है, अगर आप यहाँ पर बहुत गौर से देखेंगे तीनों कॉन्स्टेंट हैं, एम पार्टिकल का मास कॉन्स्टेंट होता है, ओमेगा कॉन्स्टेंट होता है, और यहाँ पर ए क्या है, ए कॉन्स्टेंट है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यू एवरेज, इसको लिखने का तरीका होता है, चाहे आप ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा, ये वैल्यू होती है के की, इज इक्वल्स टू 1/4 और यहाँ पर आ जाएगा ये के ए स्क्वायर, ये वैल्यू होती है के की, के भी कॉन्स्टेंट है और ए भी कॉन्स्टेंट है, मतलब एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट होती है। तो दोस्तों ये थी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ये थी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और ये आ गया एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। दोस्तों इस तरीके से हम मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, वेव एंड ऑसिलेशन, लेज़र, सभी सब्जेक्ट बीएससी का एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन सभी लेक्चर सीरीज से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स से अपने शेयर कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक ज़रूर करते जाइएगा। थैंक यू, शुक्रिया।